आपको बता दें, लोहाघाट डिपो की लगभग 25 वर्ष पुरानी लोकप्रिय लोहाघाट वाया देवधुरा हल्द्वानी सेवा बसों व स्टाफ की कमी के चलते बंद कर दिया गया है, जिस कारण इस रूट से चलने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है और यात्री टैक्सियों व अन्य वाहनों में अधिक किराया देकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं रोडवेज के लोहाघाट डिपो के इंचार्ज मंजुल कुमार ने बताया कि डिपो में बसों की काफी किल्लत है तथा नियमित स्टाफ की भी भारी कमी है, जिस कारण इस पुरानी सेवा को बंद करना पड़ा है। मंजुल कुमार ने कहा है, जैसे ही डिपो को बसें व स्टाफ मिल जाएगा, इस लोकप्रिय सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। हमारी जो हल्द्वानी को चलती थी वाया देवधुरा, आजकल नहीं चल रही, तो सर किस वजह से नहीं चल रही, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आ रही है कि हमें स्टाफ की कमी है, एक गाड़ियों की कमी है, गाड़ी पुरानी हो चुकी है, गाड़ियाँ किलोमीटर उनके पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो गाड़ी उधर से जाने योग्य नहीं है फिलहाल। इस वजह से हमने उधर की गाड़ी बंद कर रखी है। जैसे हमारे पास बसों की उपलब्धता हो जाएगी, उसी हिसाब से हम अपना संचालन सुचारू रूप से चला लेंगे। तो अभी फिर लोहाघाट के यात्री सर हल्द्वानी किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं? बाया टनकपुर, फिलहाल व्यवस्था हमने ये बना रखी है कि बाया टनकपुर होते हुए निकल रही है हमारी गाड़ी। बाया टनकपुर होते हुए फिलहाल मतलब यहाँ से भी मतलब सेवा शुरू होने की कोई आशा नहीं जब तक बस नहीं मिलती। जी जी हाँ। वही मंजुल कुमार ने बताया, फिलहाल वाया टनकपुर होते हुए एक बस को हल्द्वानी भेजा जा रहा है। वही लोगों ने भी इस पुरानी व नियमित बस सेवा को चलाने की मांग की है। मालूम हो कि इस सेवा का लाभ पाटी, देवधुरा, शहर फाटक, खुटानी, भीमताल, नैनीताल व हल्द्वानी जाने वाले यात्री उठाते थे। 25 साल पुरानी सेवा के बंद होने का खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन व परिवहन निगम को अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सेवाएं जो बाधित है, खासकर इसमें जो काफी पुरानी सेवा थी मतलब हल्द्वानी के लिए वाया देवधुरा, वो प्रभावित हो चुकी है, तो क्या कारण है सर? महोदय, मैं तो अभी लोहाघाट में जस्ट अभी नया नया ही आया हूँ, लेकिन वो सेवा बहुत पुरानी थी। जैसे मुझे प्रतीत होता है कि ये हमारे बसों के अभाव के कारण और कर्मचारियों के अभाव के कारण ये बसें स्थगित की गई हैं। जैसे ही बसें उपलब्ध होती हैं और स्टाफ हमारा उपलब्ध होता है, तो वो बस संचालित की जाएगी। और हमारा सरकार से एक निवेदन रहेगा कि हमारे नियमित कर्मचारी बहुत कम हो गए हैं, जिस कारण हमारा संचालन प्रभावित हो रहा है। तो मतलब मांगे क्या आपकी इसमें, मतलब कर्मचारी मांगे हमारी है, कर्मचारी नियमित नियुक्ति की जाए, ये हमारी मांगे हैं, ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चल सके। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।